हेलो गाइस, मैं हूं आपका विशाल रावत और आज मैं जा रहा हूं बहुत सारा काम करवाने अपने बालों में, जैसे कि हेयर कलर, केराटिन कटिंग और भी बहुत कुछ है, आप वहीं देख लेना। जो जिसका नाम है मुझे तो पढ़ा नहीं जा रहा, आप खुद पढ़ लो। ठीक है ठीक है, तो आओ चलते हैं। ये हमारे अश्विन है, ये हमारा कलर करेंगे। अभी तो बालों के हालत देख रहे हो, अब देखना थोड़ी देर बाद मेरे बाल कैसे हो जाए। तो आप काम करो, मैं सुबह यहाँ बैठता हूँ। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनके बालों में कलर करने वाले हैं और केराटिन करने वाले हैं। देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है बालों की। तो इनके बालों में पहले से ही कलर था जो कि मैंने ही किया था, और वो था कि बालों में पूरा ऐश कलर था। तो ऐश कलर के बाद इन्होंने खुद अपने आप कलर कर लिया बालों में, ब्लैक कलर कर लिया। तो उसके बालों की कंडीशन जो है, ये वाले बाल जो है, ये पूरे जो एंड्स हैं ये पूरे ख़राब हो चुके हैं और ये पूरे डैमेज हैं, तो इनको तो काटना ही पड़ेगा। प्लस ये वाले बालों में कलर आ चुका है वापसी, और वापस कलर आ चुका है, और जो बालों की कंडीशन है पूरी वर्स्ट हो चुकी है। तो इनके बालों में हम केराटिन भी करने वाले हैं और कलर भी करने वाले हैं, ताकि एक इवन टोन आए और एक बाल अच्छे भी लगे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। भाई के हाथ हो गए हैं गंदे, तो इसलिए भाई की हेल्प ली जा रही है वीडियोग्राफर। शिवम, आपने कभी सोचा था कभी दूध में प्रोटीन मिलाते मिलाते तुम ये सब मिलाने लग जाओगे? प्रोटीन। आई टेक माय वर्ड्स बैक ब्रो। हो जाता है एक्साइटमेंट में, हो जाता है। हम वीडियो शूट हो रही है ना, तो मेरा फोन भी गिर गया इसी कारण, अब मेरे को फोन भी उठाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, हमें क्यों कर रहे हैं कलर, बताइए। ये कलर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे बाल हो रहे टूट टूट और इसी टूट फूट में मेरे बाल कर रहे हैं कलर। के बाल हो रहे हैं टूट टूट टूटन हो रही है इधर, बालों में टूटन हो रही है। तो सबके लिए एक ओलाप्लेक्स बिल्कुल मिक्स करिए, ओलाप्लेक्स स्मार्टफोन, कहीं से भी आप बाल कलर करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। yes. ओलाप्लेक्स होना चाहिए, ओलाप्लेक्स नहीं तो उसका ऑल्टरनेट आता है, ऑल्टरनेट आता है, फायरप्लेक्स आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे और फ्रिजनेस बहुत बढ़ जाएगी। मतलब सुखा रहे हैं अभी। अभी इस केराटिन को ड्राई करेंगे, उसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे, जिससे कि केराटिन बालों के अंदर अच्छे से पेंटेड हो जाएगा। हीट की इसको जरूरत होती है, हीट की ही वजह से केराटिन बालों के अंदर पेंटेड होती है। कुछ इचिंग वगैरह कुछ महसूस हो रही है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं अभी तक। तो इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। मतलब कुछ कुछ केराटिन मैंने पहले भी करी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि फ्यून बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्यूम ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो आइस में प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी जो ब्रेथ है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर फ्यूम ज़्यादा होगा केराटिन में तो वो हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो मेक श्योर, अगर आपकी आइस में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो या तो आपके केराटिन करने का तरीका गलत है, या तो आपके केराटिन में फ्यूम बहुत ज़्यादा है। तो फ्यूम जो है अपनी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ये सब आप भी ध्यान रखें जब वो सॉल्यूशन वगैरह बना रहे हो तो। ठीक है, कई बार क्या होता है केराटिन में मिक्सिंग होती है, तो मिक्सिंग का भी ध्यान रखें कि केराटिन जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये केराटिन का रिजल्ट भी है वो इतना अच्छा खास नहीं आने वाला। हम जो वर्क कर रहे हैं वो बिना मास्क के वर्क कर रहे हैं, कुछ कभी कभी क्या होता है फ्यूम, हम अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो मास्क पहनना पड़ता है,
या फिर हमारे पास इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता कि उसका जो फ्यूम है, जो धुआं उड़ता है, उसकी वजह से जो आंखों में प्रॉब्लम होती है वो ठीक से बाहर नहीं जा पाता है। वो क्या कई बार क्या तो एग्जॉस्ट फैन नहीं होता है, उसकी वजह से भी धुआं पूरे सलून के अंदर हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेथ में प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट हो और आप पूरा टेक्निक से काम करें। अगर टेक्निक से काम करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मतलब मास्क भी जरूरी है, मास्क भी पहने आप लोग? मास्क भी जरूरी है, पहन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं तो मास्क पहन सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत फ्यूम सह सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा जो कलर है वो भी विजिबल हो गया है, जो कलर हम चाह रहे थे चॉकलेट का, चॉकलेट ब्राउन, वो भी विजिबल हो चुका है। तो अभी ब्लो ड्राई हुआ है सिर्फ, उसके बाद हम केराटिन करेंगे। और ये फाइनल लुक नहीं है, क्योंकि फाइनल लुक जो है वॉश के बाद आएगा। तो केराटिन का जो प्रोसीजर होता है वो 24 आवर्स का होता है, तो 24 आवर के बाद जो वॉश होगा उसमें जो लुक आएगा वही फाइनल लुक होगा। तो अभी हम प्रेसिंग करने वाले हैं, प्रेसिंग के बाद हम दिखाएंगे लुक कैसा है। तो अभी हम प्रेसिंग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लो ड्राई के बाद। हेलो गाइस, तो अभी हमने केराटिन ट्रीटमेंट फिनिश किया है। तो अभी जो लुक है इनके बालों का वो ये है कि उनके थोड़े बाल कलर हो गए हैं बाल, और केराटिन काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो अभी जो लुक है वो ऐसा है, और आप देख सकते हैं कि इनके जो बाल हैं पहले से जो ड्राइनेस थी सारी रिमूव हो चुकी है, और कलर भी काफ़ी अच्छा इवन टोन हो चुका है, और काफ़ी हेल्दी बाल दिख रहे हैं। पहले तो बिल्कुल बाल पूरा ड्राई था, तो अभी जो लुक है काफ़ी अच्छा आ चुका है। भाई हमारा आज बहुत खुश है, बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ। मेरा एक्सपीरियंस तो पहले ये था कि मेरे पहले बाल बहुत बेकार थे, मतलब टूट भी रहे थे, अगर मैं यूं भी करता हूँ तो टूटते रहते। तो भाई के पास मैं गया, भाई मेरे पहले से अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो भाई के पास गया, भाई ने बोला कि मैं तेरे बालों को ठीक कर सकता हूँ। इसमें हमको फिर इसमें हमने केराटिन वगैरह लगाया, इसमें हमने ग्लोबल वगैरह करा, कलर चेंज करा। भाई के एक्सपेरिमेंट मतलब जो सोल्यूशन वगैरह बनाते हैं तो वो तो लाजवाब है भाई। मतलब अब देखो मेरी बाल की हालत, अब ना टूटते हैं ना कुछ होते हैं, सिल्की स्मूथ हो गए, वॉल्यूम है मेरे बालों में। काफी बंदों ने मेरे से पूछा भी कि भाई कहाँ से करवाए, और अब मेरे बाद चार बंदों ने और करवा लिया भाई से। भाई का बिजनेस बढ़ा दिया मैंने। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, अगली नेक्स्ट वीडियो आपको दिख जाएगी इनके पेज पे। थैंक यू सो मच, नमस्ते, शबा खैर।